6:30 बजे न्यूज मिली कि भाई हमें एयरलिफ्ट करके, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं भाई बाइक का क्या करना है, वापस लेने आएंगे, कहाँ तक छोड़ेंगे, दिल्ली छोड़ेंगे, चंडीगढ़ छोड़ेंगे, कहाँ के हालात है, लेकिन जो भी होगा वापिस जरूर आएंगे, वापिस जरूर आएंगे, बाइक का छोड़ रहा है इसकी टाइगर मेरी बंजारन छूटेगी तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बंजारन को छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, मजबूरी है मेरे दोस्त, छोड़ के जाना पड़ेगा, मोहब्बत है यार अपनी, ये जान से प्यार है, इसको छोड़ने का जाने का दिल नहीं कर रहा। चलो बेबी बाय बाय। बाइक दिख गई है यार हमारे को, बाइक गिरे, बाइक दिख गई। संधि मिल गई, पानी करके देख लो, बम्बी गिरी है, तो कितनी बारिश हुई होगी, देखते हैं हमारे। अरे भैया बाइक दिख गई, कितना सारे रात के 8:15 बजे जहाँ पर हमने ब्लॉक किया खत्म, वहीं से करेंगे शुरू, क्योंकि आपको बोला था बाइक हम शुरू करेंगे, और हमको सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि पहली बार में स्टार्ट होगी या नहीं, हो जाएगी हिमालयन हो जाती है, क्योंकि ये पहाड़ों के लिए बनी है। ओके तो लाइट आई कितना सारे बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या स्टार्ट हुई है यार, क्या बात है, तालियां इस बात है, क्या बात है, फिर खुश हो गया, थैंक यू, आई लव यू टू, थैंक यू, थोड़ा इसको चालू रहते हैं। हमारा रूम, बात करते हैं। अरे भाई लाइट आ गई है भाई, वही जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं था, यहाँ पर पड़े पड़े हम थक गए थे, कहाँ मग्गे लगा रखे थे, हाँ यहाँ से पानी गिर रहा था, क्या हालात देख कर गए हैं, और आज फिर वापस आए तो मेरे को खुशी हो रही है, यादें थी भाई, ये जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, ये कभी यहाँ जो मशक्कतें हमने की है वो कभी नहीं, देखो ना ये पूरी जिंदगी हमारी इसमें थी, पर हम गुजार रहे थे इससे जिंदगी, यही है, ठीक है आप थोड़ा सेटल होते हैं, बाकी बात बात पे करेंगे। सब कुछ बदल सकता है, ये हालात नहीं बदल सकते, पर हालात अभी खूबसूरत है, कल से हम आए यहाँ पर, बारिश नहीं हुई है और ये व्यू का मजा हम ले रहे हैं, और कल तो फुल मून था, ऐसे पूरी रात पूरा चमक रहा था, ये देख नहीं पाया मैंने, इसको उठाया भी हमने देखा, हाँ मतलब ये पूरा का पूरा दिख रहा था, लेकिन मून कहाँ था वो नहीं दिख रहा था, मैंने जब मैं सो गया फिर ये उठ के देखा, मैंने इसको उठाने की कोशिश की, ये नींद में चला गया, पर आज हमारे काम क्या क्या वो बता रहे थे आपको। चलो चलो मेरे दोस्त, ये इतने सारे कपड़े सब सेट करने हैं, क्योंकि जब हम छोड़ के गए थे आज से 17 दिन पहले तब ये सब कपड़े सही थे, सूखे हुए थे, पर अब जब आए हैं तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर आ चुका है, गीला आ चुका है, तो सुखाया इनको, अब इनको सबको सेटल करना है कि उसमें कौन सा जाएगा, बैग में कहाँ जाएगा, कैसे जाना है, बहुत ही मतलब आज का पूरा दिन इसी में जाएगा, हाँ इसी में जाएगा सब, अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, वो खाली किया है इसका। मैं मुंबई जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, मुंबई मेरी जान, मेरी माशूका, मेरा घर, मेरा वॉल ऑफ फेम, सब कुछ बहुत याद आ रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मुंबई जाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ, पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये बहुत कम बोलते हैं कि मुंबई जाना पड़ता है, इस बार मैं मुंबई जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, पर अभी सीन क्या हो गया, अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि शिमला से चंडीगढ़ जाते हुए रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है, तो वो भी एक पकड़ा, ये कब हुआ तेरे पता नहीं है, अच्छा तू एडिट कर रहा है, तो ये भी सीन हो गया, अभी वो आगे का आगे देखेंगे, पहले ये सब भाई अगर कुछ भी हो जाए ना, मैं टाइगर में पंख लगा लूंगा, उड़ के जाऊंगा, जाना है मेरे को घर यार। ठीक है चलो इसको सब सेटल कर लेते, फिर उसके बाद और क्या काम करते वो भी बताते, बता रहे हैं इतनी जल्दी क्या, मतलब पैकिंग वैकिंग हमारी डन हो गई है, तो हमने सोचा कि आज लास्ट दिन है, कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे, इस साइड से तो रकचुम की नदी वदी आपको सब दिखा दी जब उफान पे थी, रकचुम गांव नहीं हमने देखा, तो आपको लेके चलते हैं अब रकचुम गांव, चलोगे हमारे साथ, चलो आ जाओ, ये गांव का रास्ता इधर से ही जाता है ना, इधर से भी है, परे से भी है, यहां से जाओ आप, चलो इधर से, इधर से, और कुछ खास है क्या देखने का, मंदिर है वहां पे है, बीच गांव में ठीक है, ये हमारे दो साथी और हैं हमारे साथ, रकचुम गांव देखेंगे, वैसे तो बहुत ही विंटेज है, देखो ना पूरा ऐसे घर वर,
1948 से होने हुए हैं। कहाँ लिखा है बताया उन्होंने ना गाँव वालों ने। ये हमारे पुराना इतिहास लेके आए हैं, कोई मोहनजोदड़ो से खुदाई में निकले थे ये, इन्होंने बताया हमारे को। ठीक है पोस्ट ऑफिस भी है, रखते हैं। चलो थोड़ा अंदर घूमते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि पक्के हो गए हैं घर, मतलब मिक्स है अभी तक। हेलो क्या नाम है आपका? शिवानी नाम है। चलो बाय बाय। बच्चे तो क्यूट हैं आगे, मतलब आधा बूढ़े ने यहाँ पर और आधा पत्थर का हो गया है। और पत्थर भी अलग तरीके का है यहाँ भाई, जैसे अपने वहाँ होते हैं ना नॉर्मल वैसे ईंट वाले, यहाँ पत्थर भी एकदम इतने बड़े बड़े मजबूत। ये देखो ना, ये देखो ये सब चीजें सही है। काफी बदल गया है क्योंकि जैसे जैसे ट्रेवलर्स हमारे जैसे आने लग जाते हैं वैसे वैसे बिजनेस बढ़ता है, तो घर पक्के हो जाते हैं। पर अभी भी है उस साइड में लकड़ी वाली। मेरे को ये वाला घर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि आपको ऐसे लकड़ी वाले घर चाहिए जब आप यहाँ पर रुको, या आपको पक्का चाहिए? वैसे मैं जानता हूँ कि सब लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कि कुछ लोगों को कैंपिंग पसंद होती है, कुछ लोगों को पक्के घर, कुछ लोगों को लोकल एक्सपीरियंस करना, हमारे जैसे। इसीलिए आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे पसंद है, बताना। हम वैसे ही प्लान करेंगे ना, वैसे ही हम दिखाया करेंगे। तो हम रॉ वाले हैं पर फिर भी बताना। ये यहाँ पर कुछ मंदिर दिख रहा है हमारे को, लगा था ये मंदिर है क्योंकि हम लास्ट उस साइड में गए थे तब भी ऐसा ही कुछ था, और मेरे को लगा था कि कुल देवता को यहाँ पर लाते हैं, पर मंदिर तो ऊपर है। मंदिर आपको अंदर से नहीं दिखा सकते क्योंकि ताला लगा हुआ है, पर बाहर की कारीगरी देख के लग रहा है कि मंदिर बहुत ही पुराना है। अच्छी बात यही है लग तो रहा है। पर ये जैसे दरवाजा देख रहे हैं, ये देखो ना, वैष्णो देवी, कृष्ण जी, उधर ब्रह्मा जी नहीं है वो विष्णु जी है, विष्णु जी, शिव जी बोले। यहाँ की कारीगरी देखो यार, क्या कि अभी मंदिर बंद है, कुछ 6:30 बजे खुलेगा शायद, आरती के टाइम पे होएगा। कोई नहीं जी, जितना देख पाए, जितना दर्शन कर पाए उतना ही अच्छा है। ये हमारे को एक हीरो मिला है, क्या नाम है तुम्हारा? हंसराज। ये हमारे को बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, ये मंदिर नहीं तो दूसरा मंदिर दिखाते हैं आपको। तुम तीनों में शरारती कौन है सबसे ज्यादा? हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। किसका आवाज निकालता है? चलो हंसराज तुम शरारती हो, हमारे को पता लग गया। चलो बाय बाय। ये है जी शिव मंदिर यहाँ का, ये भी बंद है। ये कितने बजे तक मंदिर खुलता है? 6 बजे खुलते हैं। ये ठीक है, ठीक है जी। दो मंदिर है यहाँ पर, आके देखिएगा, खूबसूरत मंदिर है, और जितना कारीगरी की गई है ना वो बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। और हम थोड़ा जल्दी आ गए, और 6 बजे हो जाएगी रात, और हमारे को बाइकों का काम भी है। यहाँ पर खेतों में चल रही है मशीन, तो हमने सोचा कि ये एक्सपीरियंस भी ले लिया जाए। लाओ जी लाओ, मटर लाओ, थोड़ा सा दियो है। क्या बात है, ये इसी खेत के जिसमें मैंने चलाई मशीन। वाह क्या बात, मेरी पगार मिलेगी है मेरे को मेहनत करने की, शुक्रिया। क्या कि हमने बाइक का तो बहुत चलाई, जो मौका मिल जाता सब चला लेते हैं। मटर मिल गया, मटर मिल गया, अभी खाएंगे। गांव के मटर है, गांव के स्वीट लोग हैं यार यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ये चट्टाने देख रहे हो गांव के बीच में, मतलब इससे एहसास हो रहा है कि गांव जो है इसी पे बना हुआ, चट्टानों पे, मतलब पूरा पहाड़ है। देखो ना यार, ऐसे ही बनते हैं उनके घर में जाने को हो रही है चट्टान। वो आगे भी देखो, मतलब कुल मिला के कैलकुलेशन ये है कि हम पहाड़ों में
पहाड़ पे गांव में घूम रहे हैं। ये क्या इसकी सब्जी बनती है? अच्छा दिखाओ थोड़ा सा, छिलका है ये तो सिर्फ एक पीस नहीं का है। अच्छा पीसेगा फिर इसका आटा बनेगा। वाह बहुत ही अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, भी ऐसे डीप डीप घूम रहे हैं तो हमारे को समझ में आता है। ये क्या काट के लेके आए आप? घास है, घास है पशुओं के लिए। चारा। अच्छा बढ़िया, कहाँ से लेगा? वो नदी पार, नदी पार खेतों से। अरे वाह वेरी गुड, सब मेहनती लोग हैं यहाँ पर। क्या आपका पालतू है? पालतू है। क्या नाम है इसका? इसका रानी। रानी रानी, क्या बात है रानी, हम भी खिलाएं थोड़ी सी रोटी दो ना, हम भी खिलाएंगे। रानी हमारे यहाँ से खाओगे? ओए रानी सॉरी, दोबारा खिला देते हैं। रानी ने तो बहुत सारा खाया, थैंक यू गौ माता, हाथ भी नहीं लगाने देती। कहाँ के आप? मुंबई से। मुंबई आगे आप? बाइक लेके आए थे, हमारी फंस गई थी बाइक तो वापस लेने आए हैं। अच्छा, यहीं पर रह गए थे, रेस्क्यू हुए थे फिर वापस आए हैं आप। अच्छा, चलिए शुक्रिया। अब गांव तो घूम लिया हमने, अब गांव घूमने के बाद बाइक का मेजर काम होएगा। तो मेजर काम के लिए लड़के के पास है सामान पूरा, पर इसके लिए हम जो सामान लेके आए हैं वो पहले इसको देते हैं। आपके लिए लाए हम गाँव के मटर, देसी मटर, गाँव का फ्रेश मटर। फ्रेश मटर देखो, बताया मटर को मुंबई में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताना रे, बताना मेरे को, बताना। बताना को बताना बोलते हैं कि नहीं? बढ़िया मीठे ना। फ्रेश मटर है। पहले से बचपन में मम्मी जब ऐसे छिलती थी ना, एक दो खा लेते थे। एक दो का मैं तो पूरे ही उठा लेता था। और फिर हम खाते रहते थे, मम्मी की डांट पड़ती थी, छोड़ के भाग जाते थे। वेरी गुड। सब्जी में क्या काम? हमारी बाइकों में क्या काम होगा? हम बाइक में सबसे पहले चेन क्लीन, चेन लूप करेंगे। तो हमारे पास सामान पूरा, हम इसको करते हैं। कल की तैयारी, कल की तैयारी। चलो अभी अभी हमारे को मिस्टर सलीम खान द्वारा एक हिदायत दी गई है कि इसको बड़ा ही ध्यान से लगाया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की उंगलियां गई हैं। तो हमारे को उंगलियां नहीं गंवानी, इसीलिए हम बड़ा ही आराम आराम से करेंगे। ब्रश कैसे फंसाएगा उसमें? हाँ ठीक है, जान दे, जान दू, जान दे, जान दे। इंजन भाई ने पूरा हमारी बाइकों का हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ मिला है मेरा, कैसे जा सकते हैं। तो हमारे जो बाइकों का इतने दिन से ख्याल रखा हुआ था, इंजन भाई, अभिषेक भाई, सबने ख्याल रखा था, पर कोई नहीं है। तो हमने वापस बुलाया इनको, वापस आए बारिश के साथ। कवर ले लो, कवर लाया जाए, कवर तो मिले तो कोई तो कवर तो कोई बात नहीं। अब आया फोन आया तो मेरे को अच्छा लगा, अच्छा लगा। आप आ गए ना, हमारे को अच्छा लगा, थैंक यू। जीकी जीकी कैसी है? जीकी को दोनों चीजें खा रहा है, जीकर जीकर दोनों चीजें। अभी रेनबो आते हैं? अभी भी नहीं, अभी नहीं आते। आप तो रेनबो रेनबो सब खत्म हो गया, हम आएंगे दोबारा, आएगा जरूर जरूर, थैंक यू। हमारे जो हालात है वो अभी भी ठीक नहीं लग रहे हैं, मतलब कल क्या होने वाला है ये हम भी जानते, क्योंकि अभी भी चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल है, सिर्फ बादल। सो वापिस वही हाल हो गया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए जी। कल निकल रहे हैं, बस फाइनल पैकिंग चल रही है, उसकी सेटअप चल रही है, पर थोड़ा फिंगर क्रॉस्ड हुआ करो कि दिक्कत नहीं हो रही। क्या क्या है आज? शाही, वो बताएगा मेरा दोस्त, बताएगा नहीं नहीं मेरा दोस्त बताएगा, उसकी सुनेंगे। शाही चिकन है, शाही पनीर है और शाही बटाटा। हाँ क्या बात। तो सलीम इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति से। देखो ना परोसने वाली थी मैं, बट अब शायद शायद क्या ले लो तुम भी, हम अपने आप ले लेंगे, ठीक है ना? मियां ठीक है जी, तो ये ब्लॉग तो यहीं एंड करते हैं, हम खाना वाना खाते हैं, उनसे ज्यादा चैनल को अच्छी और अच्छा चैनल चंदा।